अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आप सबको। ये तैयारी चल रही है मेरी रमज़ान की। मैं मेहंदी भिगा के सर को लगाने वाली थी, पूरा तो नहीं बताई मैं आपको क्या क्या डाली हूँ, बस कौन सी ब्रांड मेहंदी ली हूँ लगा रही हूँ वो बता रही हूँ। और ये देखिए रमज़ान की तैयारी चल रही है, पूरी सफाई हो रही है, डीप क्लीनिंग, और फ्रिज के भी पूरे सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। अभी ग्रॉसरी नहीं आई है रमज़ान की, और आप लोग सब खैरियत से हैं। आप लोग ख़ास हमारे दुआओं में रखिए रमज़ान शरीफ में, और अल्लाह ताला अपने रोज़े आसान करे, दुआएं को कबूल फरमाए रमज़ान में इंशाल्लाह, सारे रोज़ेदारों के अपने सब के, आमीन सुम आमीन। और ये ऑर्गेनाइज हो गई है फ्रिज, देख सकते हैं आप। और हम लोग कैब बुला लिए थे, ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं रमज़ान के लिए। ख़ास तो कुछ नहीं, मैं ऐसा पहले से कुछ बना के रख रहे हैं, या फ्राइड चीज़ा बना के रख रहे हैं, या समोसे या फिलिंग, जब का जब भी इफ्तारी बना लेते हैं हमारे पास। और ऐसा तो नहीं है कि एक हफ़्ता पहले या वन वीक या वन मंथ पहले। और बस थोड़ी सी ग्रॉसरी लेना था, फ्रूट्स तो डेली बेसिस पे लेना ही पड़ता समझिए आप रमज़ान में, तो वही है असल इबादत का महीना है। इबादत जितनी करें उतनी कम है ये महीने में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करिए आप लोग मेरे चैनल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, और लाइक करिए। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और ये जो ग्रॉसरी मैं लाई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें ज़्यादातर तो रमज़ान के लिए नहीं, डेली जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें थे वो ले ली हूँ मैं। फ्रूट्स वे लाई, वेजिटेबल्स लाई थी, और आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसी इफ्तारी में। और जो जो भी मैं नया बनाऊँगी या लाऊँगी या ऑनलाइन से मंगाए तो वो भी शेयर करूँगी मैं। और ये है देखिए जो मैं लाई हूँ, पेपर प्लेट्स इसलिए मैं लाई हूँ डिस्पोजिबल, क्योंकि मैं एक बात देखी कि रमज़ान में कितने चाहे बर्तन उतने कमी लगते हैं समझिए आप। इतना आप तो इफ्तारी में लग जाते फिर खाने के लिए, तो मेरा आपके ये प्लान है कि इफ्तारी को हम डिस्पोजेबल्स में ज़्यादातर यूज़ करेंगे, वो तो फ्रूट्स के लिए ऐसा ज़्यादा डिस्पोजेबल्स यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे बेटियाँ जो आपको पूरा बता रहे हैं चीज़ें, आप देखिए मैं ज़्यादातर निकाल के बता ही नहीं सकी, ज़रा बिज़ी हो गए आके सामान लाके। तो ये हमारे बच्चे जो बता रहे हैं आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, सॉरी तो इसमें कुछ दिख रहा भी नहीं ख़ास, लेकिन इग्नोर करिए आप, नेक्स्ट टाइम मैं जो भी है डिटेल में बताऊँगी। और ये थोड़े बहुत सामान जो मैं लाई थी सो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये मोमोस लाए थे हम लोग, तो मैं सोची कि ये नाश्ते में शायद ब्रेकफास्ट में फ्राई कर रही हूँ, अच्छे टेस्टी थे, वेजिटेबल्स के हैं। और ये सेट हो गया है किचन मेरा। और ये देखिए रमज़ान करीम, दुआ करिए आप लोग सब खैर से रमज़ान होना अपना इबादत के साथ।